हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद अक्षय। मैंने आपसे बोला था कि मैं एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा बेस्ट टेक्निक के साथ, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। यह सेट है 29 मार्च 2016 का एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एनटीपीसी का। ये देखिए, ये रेलवे का ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया है, तो आप भी, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो आप भी इसे डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है मेरा कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट विथ अक्षय को लाइक कर दें। चैनल ये हमारा है कॉन्सेप्ट विथ अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, चिकन पॉक्स फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड निकालना है, मतलब इनमें से कौन सा है जो मेल नहीं खाता है वह निकालना है। चिकन पॉक्स है, रूबेला है, फ्लू है, मेनिंगिटिस है। तो ये चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू, ये तीनों बीमारी होती है वायरस से और ये होता है बैक्टीरिया से। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी किस में है, ये हो जाएगा मतलब थ्री का डी, ये हो जाएगा डी। मल्टीप्लाई बी इक्वल टू डिवाइड और सी इक्वल टू एडिशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 a 5 c 1 b 6 का वैल्यू हम निकालते हैं। तो 7 × 5 + 1 / 6 ये है। तो पहले बोर्ड मास के नियम से क्या होता है, होल से पहले होता है क्या, होल से पहले होता है अपन लोग वर्नाकुलर बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। तो पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 5 + 1/6। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35 + 1/6। तो क्या होता है, वन बाई सिक्स को देखते हैं। तो ये कैसे, ये होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7 × 5 + 1/6। ठीक है, इस ये है ब्रैकेट में, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये ब्रैकेट में आया हुआ था। तो 7 × 5 = 36 / 6 आंसर इज 6, ऑप्शन बी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दीन इलाही वाज प्रमोटेड बाई, दीन इलाही किसके द्वारा प्रमोट किया गया था। तो दीन इलाही प्रमोट किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी इसका है। अकबर थर्ड मुग़ल एम्पायर हुआ, मुग़ल स्टार्ट हुआ था बाबर से, बाबर फर्स्ट था, अकबर थर्ड, हुमायूं सेकेंड, दीन इलाही जो है, दीन इलाही बेसिकली है ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक रिलीजियन धर्म के बारे में बोला गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग एडॉप्ट कर सकते थे इस धर्म को। और अकबर का शासनकाल चला था 1556 अकबर के गवर्नमेंट में को ही पेटीकोट गवर्नमेंट बोला जाता है। पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 1562 तक, 2 साल तक चला था,
पेटीकोट गवर्नमेंट, मुगल अंपायर का अब पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अकबर उस टाइम पे बच्चा था और बैरम खां शासक कर रहा था। बैरम खां के मरने के बाद बैरम खां की माँ महामंगा के द्वारा गवर्नमेंट चलाया गया था, इसलिए इस लेड के कारण से अकबर के गवर्नमेंट को पेटीकोट गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे हैंग टुगेदर एट 11:25 AM व्हेन विल दे नेक्स्ट हैंग टुगेदर। इसका क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक फोन है, तीन ओइंग है उसमें, 20 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड के इंटरवल में बजती है। ये तीनों एक साथ 11:25 में सुबह बजती है, तो नेक्स्ट कब ये तीनों एक साथ बजेगी? तो इसके लिए कॉमन पूछा, कॉमन तीनों एक साथ कॉमन कब बजेगी। कॉमन बजने के लिए हम जानते हैं कि ACF निकालना पड़ता है। तो 20, 24 और 30 का ACF निकालते हैं, तो इसका ACF कितना हो जाएगा? इसका ACF होगा 120 सेकेंड, मीन्स 2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद नेक्स्ट बजेगा, 11:25 पे बजा है तो 11:27 से बजेगा। 11:27 है ऑप्शन में, 11:27 हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी 11:27। बेसिकली हम ACF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी 20, 24 और 30, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, सबसे कॉमन क्या है? सॉरी, मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए टेलीफोन एक्सचेंज 3 फोन सोइंग एट इंटरवल 20 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड, इफ दे रिंग टुगेदर एट 11:25 AM व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। मतलब बोला, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीन बेल है फोन में, एक 20 सेकेंड, 24 सेकेंड ऐसा कब होगा जब तीनों एक साथ ही बजेगा? तो तीनों को एक साथ निकालना है, मतलब 20, 24 और 30 का अपन को LCM निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या है जब तीनों एक साथ बजेगा? तो तीनों का हो जाएगा 20, 24 और 30 का 120 सेकेंड। ये सेकेंड में दिया था, सेकेंड ध्यान रखिएगा यूनिट का, मतलब 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ये वापस बजेगा, तो 11:25 में अगर बजा इसके बाद 2 मिनट जोड़ेंगे तो 11:27 होगा। 11:27 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, लिखे भी है। नेक्स्ट है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन को फास्ट बनाना है तो एक बार टेबल को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस के थ्रू मोस्टली कोशिश करेंगे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का। जैसे ये दिया हुआ टेबल, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 कंपेयर टू ईयर 2005। 2009 में 2005 की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा वृद्धि हुआ है? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 2005 की तुलना में व्हाट इज इंक्रीज पर्सनल प्रोडक्शन 2009 कंपेयर टू 2005, 2009 में कितना बढ़ा है? तो दोनों में डिफरेंस देखिए, 495 से 325 का डिफरेंस यहाँ हो गया, 225 को 100 से कर देंगे, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन लोग चेक कैसे करेंगे, पहले तो
इसको कट करते हैं, 25 9 25 64 70 34 69 680 बटा 9, तो यह होगा 25 6 125 9 70 6 68, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के सॉल्व क्वेश्चन को। जैसे इसमें बोल रहा कि 2009 में 2005 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अपन लोग डायरेक्ट निकालेंगे 325 से 495। अगर 325 से 425 जाएंगे 100, लेकिन ये हो जाएगा 425, लेकिन यहाँ पे 95 है। पे एक सप्ताह ज़्यादा है, ठीक, एक सप्ताह ज़्यादा है, 325 ओवर 325 100। अगर देखिए, अगर यहाँ पे 34 होता तो दो बार मतलब 50 आता, लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे होता 17/34 होता, ये मानते हैं तो 100, तो फिर क्या होता 17/34 मतलब 50%, लेकिन नीचे कम है मतलब ऊपर का वैल्यू ज़्यादा होगा, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा। ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है इसमें। जैसे आप चलते हैं इसमें 6 में, व्हाट वाज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द पीरियड 9 से 5, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है राइस में, तो इसमें देखिए 5 है तो हम चेक कर सकते हैं, डबल है उसे चेक करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड वही होगा, सबमिट करके सबको सम करते हैं कितना आ जाएगा, 8 5 13 9 22 30 5 35 का 5 क्या ये है, 3 3 2 5 3 8 8 2 10 5 15 15 24 4 क्या ये है, 2 2 3 5 9 13 15 19 19/5, ठीक है। लेकिन अब तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, अगर ये 2000 होता तो 400 होता आंसर, लेकिन 400 नहीं है, काफ़ी पीछे है, मतलब 399 तो हो नहीं सकता, 389 ही होगा आंसर भी। चलते हैं 7 क्वेश्चन में। 7, व्हाट वाज द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन ईयर 2008 टू कंपेयर 2007, 2007 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है, इसमें ये प्रतिशत की कमी आई है पूछना, 7 से 8 में कितनी कमी आई है, 1 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 171 का कमी आया है, 429 पे बाई 100। यहाँ पे देखो 34 मतलब 50 से काफ़ी कम होगा, 50 से अगर यहाँ 1734 होता तो 5000 आता, लेकिन यहाँ 3400 से ज़्यादा मतलब ऊपर कम होगा, तो कम 45 से 50 तो अप्रोक्स 40% होगा। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है इसमें। इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है, तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ है 1949 में, ठीक है, आरबीआई नेशनलाइज हुआ है 1949 में। वैसे आरबीआई का गठन हुआ है 1 अप्रैल 1935 में, जिसके कारण से ही 31 मार्च को, बहुत लोग आप लोगों ने सुना होगा, क्लोजिंग डे बोलते हैं बैंक का, 31 मार्च को क्लोजिंग डे इसीलिए बोला जाता है, 31 मार्च को क्लोजिंग डे बोला जाता है इसलिए 31 मार्च को
नेक्स्ट डे बैंक का आरबीआई के बारे में एक दो शब्द और जान लीजिए। अभी प्रेजेंट में आरबीआई के 25 मुंबई के गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, 25 के हैं तो 24 भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 24 नंबर के कौन होंगे? 24 नंबर के हो जाएंगे हमारे उर्जित पटेल। आरबीआई के हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आया है आपका, यह डिनोट करता है तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। डिनोट करता डिवाइड को, डिफो है, ये डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, 7 है, 5 बोर्ड मास, ये आ गया 8, 5 56, 5 61, ऑप्शन बी ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मतलब पानी का, मतलब मीठा पानी का सबसे बड़ा झील, तो कौन सा है? इसका सुपेरियर झील है जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। लेक विक्टोरिया भी नॉर्थ अमेरिका में ही है, नॉर्थ लेक लेक एरिया अलग ओंटारियो, ये है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मिडिएवल इंडियन बुक ऑन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का बुक्स कौन सा था मिडिएवल के टाइम पे? तो कौन सा बुक था मिडिएवल में? बुक का नाम है लीलावती। बुक का नाम है लीलावती। इस बुक के राइटर हैं भास्कराचार्य, लिखा था इनको। वास्तु शास्त्र है, वास्तु के बारे में, घर के दोस्त के बारे में, कहाँ पे क्या ऐसा जाता है, पंचदेशी या स्टोरी बुक है, स्वरूप मती ये लव स्टोरी बुक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर बहुत लॉकों में नहीं बनाया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बिंदु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ गर्ल्स, आशा इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ बिंदु एंड हितु इज 16 टू बिंदु राइट। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदु है जो एग्जैक्ट मिडिल में है। मिडिल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मिडिल ऐसा जगह होता है जहाँ पे, जैसे ये मिडिल है, मिडिल का मतलब है ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, हमारा राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इस साइड, इसलिए राइट हैंड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो अगर कोई मिडिल में होता तो मिडिल का मतलब क्या है, जितना संख्या इस साइड है, जितना नंबर इधर है उतना ही नंबर लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड नंबर इक्वल टू लेफ्ट साइड जब होता है तो उसको बोलते हैं मिडिल, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही बोला गया है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि बिंदु है, जैसे ये लाइन में आते हैं, बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडिल, आशा इज 6 टू द लेफ्ट, आशा जो है लेफ्ट में है 6 पोजीशन पे, यहाँ पे है आशा, ठीक है, हेतु 16 पोजीशन पे है, 16 पे है यहाँ, यहाँ पे कौन है, हेतु है। तो व्हाट इज द आशा पोजीशन इन द लाइन, आशा का पोजीशन क्या है इस लाइन में, ठीक है, आशा का पोजीशन क्या है इस लाइन में। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने बताया, मतलब इधर 16th है तो इधर भी जाहिर सी है कि 16th ही होगा,
16 लोग ही बैठे होंगे इधर भी, इधर 16 लोग बैठे हैं तो इसमें भी 16 लोग बैठे होंगे। तो आशा का पोजीशन कैसे होगा, 16 में से 6 माइनस करते हैं, 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो आशा का पोजीशन कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 6 ठीक है प्लस वन इसलिए कहते हैं क्योंकि पोजीशन निकालने के लिए, आशा को काउंट करने के लिए ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस वन 11, 11 डी सही होगा, 11 डी सही है। ऐसे ये क्वेश्चन है। बिंदु स्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन, इसमें भी सेम बताया गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द लाइन, कितना मिनिमम लड़की बैठी है गन। इसमें तो वैसे ही बिंदु यहाँ है, इस 6th पे आशा है, 16th पे ऋतु है, मिनिमम कितना बैठेगी, यहाँ 16 है तो इधर भी 16, तो 16 32 एक बिंदु का टोटल हो गया 33, मिनिमम 33 बैठेगा, 33 ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या, व्हाट इज बिंदु पोजीशन इन द लाइन, बिंदु का पोजीशन क्या होगा, क्वेश्चन सेम है, बिंदु 6th पे है आशा, 16th पे है हेतु, तो बिंदु का पोजीशन क्या होगा, बिंदु का पोजीशन होगा हमारा क्या, इधर से आप ले लो या फिर इधर से लो लो, इक्वल आएगा इधर 16 प्लस एक बिंदु, सॉरी बिंदु इधर से ही लेते हैं, यहाँ पर 16 प्लस वन इक्वल टू 17 नंबर पर बिंदु है फ्रॉम राइट, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है लेफ्ट या राइट, तो आंसर एक ही होगा 17, लेफ्ट से लीजिए राइट से लीजिए। सो 15 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेयर्ड फॉर इट्स फाइबर, फाइबर के लिए मतलब किसका यूज होता है, तो अल्पक्का का यूज होता है फाइबर बनाने में, ऑप्शन डी में ए है, जैसे ये है फिल इन द ब्लैंक, साइन ए इक्वल टू क्या यहाँ रखेंगे कॉस्ट आ जाए, तो साइन ए, तो यहाँ पे साइन आना चाहिए या कोस कटना चाहिए, साइन ए लाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन वाई और कोस कट जाए, तो कोस कटे, कोस को काटना होगा, साइन को लाना होगा, तो साइन तभी ना साइन ए साइन आएगा, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, पी ऑप्शन 10 ए आंसर होगा। मंगलयान लॉन्च कब किया गया था, 5 सितंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। मंगलयान के लिए आप एक तो फैक्ट याद कर सकते हैं, मूवी आया था अक्षय कुमार का मार्स ऑर्बिटल मिशन भी बोला जाता है इस मिशन को ठीक है, क्या बोला जाता है मार्स ऑर्बिटल मिशन कब किया था, पाँच सितंबर 2013 हो गया था ठीक है, ये गया था PSLV C-25 ठीक है, PSLV बोलते हैं पोलर सैटेलाइट ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल ठीक है। इसमें टोटल 5 सेंसर लगे हुए थे, इस मिशन में टोटल 5 सेंसर लगे हुए थे ठीक है। ये गया था मार्स पे जिंदगी को देखने के लिए कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो PSLV होता क्या मैं बताता हूँ, PSLV बेसिकली है लॉन्चिंग, जैसे ये रॉकेट है
ये रॉकेट होता है। ऐसा ही रॉकेट होता है, ये रॉकेट होता है यहाँ पे, ये जो होता है इसको बोलते हैं पेलोड, ये होता है बॉडी, इसको बोलते हैं रॉकेट। ये क्या काम करता है, ये ऊपर जाता है, इसको ऊपर फेंकता है, इसमें आग लगता है, यहाँ पे अब आग लगाते हैं तो ये ऊपर जाता है, पेलोड को ऊपर फेंकता है, पेलोड में ही मिसाइल जाता है, इसका नाम है PSLV। इस पर मिसाइल बैठ के जाता है, इसके ऊपर में यहाँ पर ये ऊपर जाता है, ये जल जाता है ऊपर में, इसको बोलते हैं PSLV। सबसे कम पैसे बजट में इंडिया ही भेजा है मंगलयान पर मिशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा टेक्नोलॉजी होता है, लेजर का यूज होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। कॉम्पैक्ट डिस्क में जो लाइट जलती है लेजर के कारण ही चलती है कॉम्पैक्ट डिस्क में। वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड, पेपर कहाँ मतलब खोजा गया था, ये सब चाइना में ही खोजा गया था, पेपर चाइना में ही खोजा गया था, सबसे पहला पेपर चाइना में ही खोजा गया था, तो इसे आप याद रख सकते हैं चाइना धोखेबाज चाइना। विच रिवॉल्टेड टू हिज ओन लाइफ, किसने अपनी जान खुद ले ली थी, ये लिए लिए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान खुद ले लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि चारों सब अंग्रेज से कहे गए थे, तो उन्होंने खुद से अपनी जान ले ली। अजहर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर घंटा एंड द बैलेंस एट 24 किलोमीटर पर घंटा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर। बोल रहा कि अजहर जो है 10 घंटे में जर्नी कंप्लीट करता है, ठीक है, अपनी जर्नी का आधा भाग 21 किलोमीटर पर और आधा और बचा 24 किलोमीटर पर ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखिए इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि ये हाफ जर्नी है या हाफ है, इसके लिए बहुत लोगों ने फार्मूला लगाते हैं तो, बट ये फार्मूला से नहीं बनता है, ये बनता है जैसे ये जो दिया हुआ है इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि ये 5 घंटे चला होगा, ये 5 घंटे चला होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ कि 10 घंटे, हो सकता है ये 7 घंटे चले होंगे, यहाँ से 3 घंटा इससे चला हो गया होगा 24 के स्पीड से, ये भी तो हो सकता है, इसके लिए हम एवरेज स्पीड पर लगते हैं। एवरेज स्पीड पर डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 × स्पीड का मल्टीपल स्पीड का सम 2 टाइम, ये होता है फॉर्मूला, इसी पे पुट करेंगे, इस पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 × 21 × 24, दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 × 45 × 10, ठीक है, तो 8 × 3 = 24, 15 × 3 = 45, 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, ठीक है, क्या हो गया 8 × 16 = 32, 32 × 7, 7 × 2 = 14, यूनिट डिजिट अभी चेक कर से नहीं हुआ ऐसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द स्लेप्स ऑफ लैंगरहांस, लैंगरहांस के लिए क्या होता है, ये बेसिकली मधुमेह रोग के लिए देखा जाता है, तो इसमें ये होता है पैनक्रियाज में, ठीक है, पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय हिंदी में, पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, स्मॉल इंडो को छोटी आंत, छोटी आंत बोला जाता है, अस्टोमेस मतलब बोलते हैं पेट को, हार्ट मतलब हृदय, ठीक है,
पेन किलर्स अग्नाशय है, अग्नाशय से ही हमारा मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय के में फॉल्ट होने से ही type 1 और type 2 दो मधुमेह का रोग होता है, शुगर का रोग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज कॉल्ड एनिमोफिली बोलते हैं। ऐसे ऑप्शन है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? नेशनल सॉन्ग लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे नेशनल एंथम जो है जनगण मन लिखे थे अरुणा टैगोर, ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था शायद जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने शायद जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने। नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ब्राज़ील का ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज। जर्मन का जर्मनी क्या है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड कुचिकल वाटरफॉल। कुचिकल वाटरफॉल कहाँ है? कुचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा? लोकसभा में चुनने के लिए, खड़ा होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, दो रास्ता होते हैं। पहले होता है संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट दो होता है, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीन होता है। लोकसभा में जाने के लिए चाहिए 25, राज्यसभा में 25 चाहिए, ये एज है। लोकसभा में कितने एम पे हैं? 545, राज्यसभा में 245 प्लस 5 नॉमिनेटेड 250। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड लोग ही देते हैं वोट। प्रेसिडेंट के इलेक्टेड लोग देते हैं, नॉमिनेटेड लोग नहीं देते हैं प्रेसिडेंट में, ये बात का ध्यान रखिएगा। क्विंसबेरी रूल्स इज द कोड फॉलो इन विच स्पोर्ट। क्विंसबेरी ये फॉलो किया जाता है बॉक्सिंग में। जैसे ये रूल होता है बेसिकली क्या कि जो दस्ताना होगा कितना गद्दा का होगा, और मतलब बॉक्सिंग में कहाँ कहाँ पीटा जाता है, ये सब रूल बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का करेंसी क्या है? बक्त। थाईलैंड का करेंसी है रुपया। इंडिया का युआन। चाइना का। ठीक है, विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रिग्रो रिजनरेट। ये होता है लीवर। लीवर वापस हो जाता है या रिजनरेट भी होता है लीवर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, स्मिता कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज एंड सेम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 9 डेज आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज।
दे बोथ लीव द जॉब बट इज द फ्रैक्शन वन फिनिश वर्क। मतलब स्मिता किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करती है, सैम किसी काम को 9 दिन में। दिन में दोनों का टोटल वर्क आ गया 36, ये सही हो गया, ये 4 हो गया टोटल एफिशिएंसी, ये 3-4 हो गया, 4-3-7 की एफिशिएंसी। एक दिन में काम 7 हो सकता है, तो 4 दिन में कितना होगा काम, होगा 28 काम होगा। रिमेनिंग काम कितना हो गया, रिमेनिंग काम हो गया 8 काम हो गया रिमेनिंग 36 पे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से आई होगा 9 से 2/9 सी आंसर है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे पार्ट 2 लेके आऊँगा कंप्लीट, और वीडियो देखें। थैंक यू।